हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लाईवुड का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में प्लाईवुड बहुत बड़ा इंटीरियर में प्लाईवुड इज द मेन मटेरियल, और बहुत सारा मटेरियल प्लाईवुड बहुत सारे जगह पे यूज होता है। जो भी फर्नीचर है कारपेंट्री आइटम्स में, लाइक बेड से, वार्डरोब से, आपका क्लैडिंग थिंग है, इवन पार्टीशन के ऊपर भी प्लाईवुड आपका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लाईवुड का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। प्लाईवुड में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर देखते हैं तो प्लाईवुड कमर्शियल ग्रेड, एमआर ग्रेड, बीडब्ल्यूपी, बीडब्ल्यूआर इस ग्रेड में आ जाता है। जनरली बहुत सारे बोलते हैं कि वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ प्लाई चाहिए, लेकिन वाटरप्रूफ प्लाई जो है दैट इज द मरीन प्लाई। एक्चुअली ये मीन्स ऐसा है कि सिविल इंजीनियर अगर देखेंगे तो ओनली सिविल इंजीनियर या एनी अगर इंटीरियर फील्ड के रिलेटेड लोग देखेंगे तो 1% भी लोगों ने देखा नहीं रहेगा। जनरली मरीन प्लाई शिप बिल्डिंग के लिए यूज हो जाता है, और वो जहाँ पे शिप बिल्डिंग होते हैं वहीं पे मरीन प्लाई यूज हो जाता है। हमारा जो प्लाई रहता है वो वाटर रेजिस्टेंट प्लाई रहता है। ओके, सो ये हो गया उसका स्पेसिफिकेशन। हम दूसरे टॉपिक में डिटेल टेक्निकल इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो प्लाईवुड क्लैडिंग है और पार्टीशन के ऊपर हम लोगों ने मीन्स वर्किंग वो वर्कआउट किया हुआ है। आप लोग वॉल के ऊपर भी प्लाईवुड लगा सकते हो जहाँ पे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स है रेसिडेंशियल के, लेकिन आपका दीवार वगैरह क्लियर सीधा चाहिए तो उसके लिए मीन्स आपको फ्रेमिंग करना ही पड़ता है या सपोर्टिंग लेना पड़ता है, एक ऑप्शन। और दूसरा इजियल टेक्निकल ऑप्शन है, अगर आपको प्लाई क्लैडिंग करना है तो आप पीओपी करो और उसके बाद आप गो फॉर द प्लाईवुड क्लैडिंग डायरेक्टली। तो हम लोग अभी ये स्टैंडर्ड जो अपना फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। पहले स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग इंस्टॉलिंग ऑफ 12 mm थिक कमर्शियल प्लाई ओवर द वुडन पार्टीशन विद द हेल्प ऑफ एडेसिव इंक्लूडिंग मेकिंग ग्रूव्स इन द पार्टीशन। अगर आप कौन सा भी प्रोजेक्ट करते हैं तो डोंट गो फॉर द वुडन पार्टीशन, आप एल्यूमिनियम का पाइपिंग यूज करो, वो सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो स्ट्रेट वगैरह रहता है। आपको जो भी प्लाईवुड वगैरह लगाना है उसके बाद वो बेंडिंग वगैरह होगा नहीं, लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन वुडन मटेरियल जो पहले इनिशियली जो आता था, एक तो साइज क्लियर मिलता नहीं, बेंड मिलता है। जनरली वुडन पार्टीशन में रेड मरांडी ज्यादा यूज होता है बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल वाइबल। ये हो गया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अभी हम लोग रेट एनालिसिस देख लेते हैं। यूनिट स्क्वायर मीटर में है, डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्लांट कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट लोड किया है वाटर एंड पावर का, एंड ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज किया हुआ है आपका। तो उसके हिसाब से टोटल रेट होगा, उसके ऊपर आप आपका मार्कअप डाल दो और वो सेल प्राइस हो जाएगी। तो अब हम लोग अभी डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं। प्लाईवुड 12 mm थिक 1 square meter कंसिडर किया हुआ है, वेस्टेज 7% ऐड किया है। जो प्लाईवुड मार्केट में आता है आपको 4x8 ये स्टैंडर्ड साइज है, 4x7 ये भी स्टैंडर्ड साइज मार्केट में मिल जाएगी, 6x4 भी आपको मार्केट में मिलता है, 6x3 भी मिलता है। लेकिन ये प्लाई जहाँ पे आपका मीन्स वेस्टेज वगैरह वा ऐड करना है तो वो पॉइंट ऑफ से आप 6x4 और 3x6 मार्केट में ले सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड मीन्स अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो 4x8 का और 4x7 का मार्केट में आपको स्टैंडर्ड प्लाई जनरली मिल जाएगा। बट जहाँ पे ये साइज हो गया स्टैंडर्ड, लेकिन हम लोग जब साइड पे यूज करते हैं उतना पूरा का पूरा प्लाई यूज नहीं होता, तो ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप वर्किंग कर लीजिए कितना वेस्टेज आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने 7% का वेस्टेज कंसिडर किया हुआ है। तो 1 × 0.07, तो उसका 1.07 का पर स्क्वायर मीटर का क्वांटिटी लिया। फेविकॉल जो है हम लोग जब वो स्टिक करते हैं फेविकॉल वुड के साथ, तो उतना फेविकॉल हमें हमें 0.1 kg पर स्क्वायर मीटर को जाता है। इसमें एजेस टू एजेस भी ज्वाइंट है, उसमें भी एजेस टू एजेस के लिए हम लोग फेविकॉल लगाना पड़ता है। और जो फेस है जिसके साथ ये क्लैडिंग होने वाला है वो नेल्स, तो नेल्स 0.1 kg के हिसाब से हमने नेल्स लिए। नेल स्क्रूज आप कंसिडर कर लो, मिसलेनियस कॉस्ट 2%। अगर आपका कुछ
एडिशनल को कॉस्ट लग रहा है, कहाँ पे सपोर्टिंग है, कहीं पे पट्टी लगता है क्योंकि फ्लोर लेवल में नहीं रहता, तो मिसलेनियस कॉस्ट 2% के आसपास कंसिडर किया और लेबर कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अराउंड 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के पर स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट कंसिडर किया है। इसमें से स्टोर से मटेरियल आपका इंडिविजुअल फ्लोर पर लेके आके क्लैडिंग करके स्क्रू करके क्लियर क्लियर लिया हुआ है। जनरली आप जो भी प्लाईवुड पैनलिंग वर्क कर रहे हो तो इतना ध्यान रखिए कि आपका जो भी फ्रेमिंग है 2x2 का रहेगा, ग्रिड तो बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको स्क्रू भी कर सकते हैं और बेंडिंग होने के चांसेस कम है। उसके ऊपर जो भी फिनिशेस कर रहे हैं, क्योंकि प्लाईवुड के ऊपर प्लाईवुड एक बार पार्टीशन होने के बाद आप प्लाईवुड लगाते हो तो उसके ऊपर आप स्टोन का क्लैडिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लैमिनेट क्लैडिंग कर सकते हैं, विनियर कर सकते हैं, फैब्रिक पैनलिंग कर सकते हैं या पीओपी करके आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एमडीएफ भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपका पीओपी है डायरेक्टली पेंटिंग, तो आप डायरेक्टली पीओपी शीट भी पार्टीशन के ऊपर आप लगा के आप फिनिश कर सकते हो। जो आपका जो वट एवर जो बजट रेस्ट्रिक्शन रहेगा या रहेगा, तो इसमें आप कॉस्ट बचा सकते हो अगर प्लाईवुड के बजाय आप अगर जिप्सम क्लैडिंग डायरेक्टली करते हो अगर पेंट फिनिश रहेगा तो। अभी यहाँ पे जो रेट्स कंसिडर किए हैं अराउंड 64 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्लाईवुड लिया हुआ है 170 रुपए लिए। जनरली आप प्लाईवुड में जाएंगे तो आप बहुत बार क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड प्राइसेस जो भी बोलते हैं या एमआरपी रहता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है, तो रेट एनालिसिस करके टाइम आप जीएसटी का कॉस्ट निकाल दो प्लस आपको थोड़ा ट्रांसपोर्ट और उसका कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा जो मेटल के कॉस्ट में वर्किंग करते टाइम। तो ये हो गया, तो मीन्स हम लोगों ने अभी 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब और 35। तो अगर हम लोग ये देख लेते हैं तो 1.0 से मेन कंपोनेंट अगर देखते हैं प्लाईवुड पैनलिंग में तो दो ही आ जाते हैं, प्लाईवुड एंड द सेकेंड इज द लेबर कॉस्ट। तो एज पर दिस प्लाईवुड 1.07, 0.1 फेविकॉल नेल्स, 0.1 kg, 0.2% मिसलेनियस कॉस्ट कंसिडर किया है, 1 स्क्वायर मीटर का लेबर है और प्लांट कॉस्ट 1%, स्कैफोल्डिंग वगैरह जो लगता है वो कंसिडर प्लांट कॉस्ट में कंसिडर किया हुआ। तो एज पर दिस अपना मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 798 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, लेबर कॉस्ट 431 आ रहा है, 12 रुपीज आपका प्लांट कॉस्ट आ रहा है। तो जनरली 12 mm का आपको क्लैडिंग करना है तो 1241 स्क्वायर मीटर का रेट राइट नाउ अभी आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी रेट्स है मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत सारे रेट्स हाइक हो चुके हैं, इवन ऑल सिविल इंटीरियर आइटम्स, इवन सर्विसेज आइटम्स के सबके, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह सबके रेट्स बहुत हाई इंक्रीज हो चुके हैं। तो 1241 पर स्क्वायर मीटर का रेट आ रहा है, तो 1241 इज द कॉस्ट आवर डायरेक्ट कॉस्ट, 25 रुपीज इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर वाटर एंड पावर, 76 रुपीज फॉर ओवरहेड। सो 1342 का पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमारा, हमें ही उतना कॉस्ट लगने वाला है, उसके ऊपर मार्कअप हमने 18% ऐड करके हमारा सेल प्राइस है 1583 पर स्क्वायर मीटर। ये रिटर्न्स था प्लाई क्लैडिंग का। थैंक यू गाइड्स।